आज मैं बना रही हूँ अंडे की बिरयानी। ये मेरे पास 3 अदद प्याज है जो कि मैंने चॉप कर ली है। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये पिंकिश ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारी प्याज थोड़ा सा ब्राउन की तरफ आ रही है। अभी और थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे हम। ये देखें, ये प्याज हमारी तकरीबन हो चुकी है। इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से भूनते हैं हम। अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे। इसको भी थोड़ा सा ब्राउन होने दें। ये देखें, अदरक लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। ये 1 बादियान का फूल है मेरे पास, सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा है, और 3 अदद लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, और तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची। ये सब इसमें चला गया है। अब इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मेरे पास 6 अदद टमाटर हैं, ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से भून लें टमाटर को। टमाटर का पानी काफ़ी छूटेगा। इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर थोड़ा सा, नमक हसबे ज़रूरत, और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं चॉप की भी, 5 अदद, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। इसको अच्छे से भून लीजिए। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। ये देखें, ये हमारे टमाटर भुनने पे आ चुके हैं। इसको अच्छे से और भून लें ताकि ये एक जान हो जाएं। ये देखें, इसे मैं अच्छे से भून रही हूँ। ये देखें, ये हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल भुन चुकी है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ये देखें, अच्छे से मैंने फेंट लिया था दही को। 1 कप मैं दही डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका पानी भी हम खुश्क होने देंगे। थोड़ी देर इसको भी हम कवर करके रख देते हैं। ये देखें, मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब मैं अंडों को फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने बॉयल अंडे कर लिए थे। ये हम थोड़ा सा अंडे फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे अंडे जो हैं ब्राउन हो गए हैं। बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने आलू भी थोड़े से बॉईल कर लिए थे। ये 3 अदद आलू हैं, इनको भी मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अगर इसमें कच्चापन जो है थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ। ये देखें, ये हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। देखें, बिल्कुल भुन चुकी है ये।
इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और ये तीन अदद कट की हुई बीच में से कट की है ये मिर्चें चली गई हैं, और ये एक टेबलस्पून मेरा बाहर वाला मसाला है, पैकेट का मसाला, बिरयानी मसाला, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस पे ये देखिए मैं ये अंडे और आलू इसमें डाल रही हूँ। ये यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखें ये हमारी यखनी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखें ये मैंने पानी, चावल का पानी चढ़ा दिया है, इसमें एक तेज पत्ता, बादियान के फूल, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ा सा काला जीरा और धनिया पुदीना। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, नमक भी शामिल कर दें। इसको मैं बॉयल पे रख रही हूँ। ये देखें ये मैंने एक घंटा पहले चावल भिगो लिए थे, ये मेरे आप ये चावल का पानी भी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, ये देखें ये चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको एक कनी पे बॉयल करूँगी। ये देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये मैं तेल लगा रही हूँ, ये मैंने थोड़े से चावल तेल में लगाए हैं। और ये मैं यखनी डाल रही हूँ इसकी, ये हमने इसका तैयार किया है। हर साइड से आप लगा लीजिए, अंडे भी हर साइड पे कर लीजिए थोड़े। ये देखें ये मेरे पास हरा धनिया है, ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया इस पे डाल रही हूँ। और ये पुदीना है, ये मैंने पुदीना डाल दिया है। और ये मैंने टमाटर के स्लाइस बना के काटे हैं, ये इस तरह टमाटर रख लीजिएगा। ये मैंने दो अदर टमाटर लिए हैं। ये देखें ये और जो चावल थे ये मैंने तेल लगा दी इसके। ये अच्छे से फैला लीजिए, ये देखें इस तरह फैला लीजिए। और ये मेरे पास कलर है, ये कलर डाल दीजिए थोड़ा। और ये मेरे पास घी है, जो मैं थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ ताकि ऊपर के चावल नरमी पे रहें, इससे थोड़े चावल भी फरे रहेंगे, ऑयली हो जाएंगे ऊपर वाले चावल भी, इसलिए थोड़ा सा घी डाल लीजिए। और ये मैंने प्याज फ्राई कर ली थी, ये भी इसमें इस तरह लगा लीजिए। अब मैं इसको दम कर रही हूँ।